गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। हाईवे पर लूट करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने दबोच कर 3 घटनाओं का किया पर्दाफाश। बदमाशों के पास से लूट की 4 बाइक, 4 मोबाइल समेत 2 तमंचा और कारतूस किया बरामद। एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने दी जानकारी। किसान आंदोलन को विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने की हाईजैक करने की कोशिश। राजनीतिक पार्टियों के घोषित प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह रहा सतर्क। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को लिया हिरासत में। देखने को मिली नोकझोंक, शहर में स्थिति रही सामान्य। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई गोरखपुर महोत्सव की तैयारी बैठक। 12 और 13 जनवरी को कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत महोत्सव मनाने पर बनी सहमति। कहा, स्थानीय कलाकारों को मंच उपलब्ध कराता है महोत्सव। सरकारी ट्यूबवेल के पास एक महिला की हत्या कर अजले शव को गोला थाना क्षेत्र के कौवाडील गांव में मिलने से मची सनसनी। शव की नहीं हुई शिनाख्त। एसपी साउथ ने कहा, अज्ञात महिला के शव की कराई जा रही है शिनाख्त, जल्द होगा घटना का खुलासा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कृषि तकनीकी प्रबंध अभिकरण गवर्निंग बोर्ड की बैठक। शासन के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। विपक्षी पार्टियों द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में घोषित प्रदर्शन को देखते हुए महानगर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस का रहा पहरा। सुरक्षा के रहे व्यापक इंतजाम। अधिकारी भ्रमणशील होकर लेते रहे स्थिति का जायजा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई परफॉर्मेंस ग्रांट समिति की बैठक। टेंडर प्रक्रिया के तहत चयनित गाँव में विकास कार्यों को कराने के दिए निर्देश। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई एक जनपद एक उत्पाद योजना संबंधित बैठक। रेडीमेड गारमेंट को बढ़ावा देने के दिए निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव पंचायती राज ने किया विभागीय कार्यों की समीक्षा। लंबित कार्यों को अति शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश। 16 दिसंबर से होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिसंबर माह का राशन वितरण। जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा, 15 दिसंबर तक होगा नवंबर माह का बकाया निशुल्क राशन का वितरण। 16 से 28 दिसंबर तक मिलेगा सभी कार्ड धारकों को राशन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई वरिष्ठ नागरिकों एवं वृद्ध आश्रम के सुचारू रूप से संचालन समिति बैठक। ठंड के मौसम को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों को सभी सुविधा उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। गोरखपुर में सोमवार को मिले 25 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,528। अब तक 331 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 412 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जयंत तिवारी ने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रेस वार्ता। मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग। और भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के बैनर तले किसान यूनियन के दर्जनों महिला और पुरुष नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किसान कानून के विरोध में किया धरना प्रदर्शन, जताया विरोध। सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित 3 सूत्रीय सौंपा ज्ञापन।